नमस्कार, किचन एटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है इंस्टेंट जलेबी। इस जलेबी को घर पर आप बिना फर्मेंट किए ही बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए जलेबी बनाना हम शुरू करते हैं। जलेबी के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक पैन में लेंगे 1.5 कप चीनी, 1 कप पानी डालकर इसे तेज आंच पर चीनी घुलने तक पका लेंगे। यहाँ पर हमें पैन में लगातार चम्मच चलाते रहना होगा जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। चीनी मेल्ट हो गई है, अब गैस का फ्लेम लो पर रख देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए गाढ़ा होने तक पका लेंगे। चाशनी में फ्लेवर के लिए ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े से केसर के रेशे। केसर और इलायची का कॉम्बिनेशन जलेबी के टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर केसर ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर है तो आप इसे जरूर ऐड करें। इलायची और केसर डालकर चाशनी को थोड़ी देर और पका लेंगे जिससे इन दोनों का फ्लेवर चाशनी में अच्छी तरह से आ जाए। चाशनी लगभग हमारी तैयार है। मैं इसमें फूड कलर डालना भूल गई थी, तो अब हम इसमें 1 चम्मच येलो फूड कलर ऐड कर अच्छी तरह मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। इसे हम चेक कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा चाशनी लेकर इसे ठंडा कर लेंगे और इस तरह से उंगलियों के बीच में रखकर देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई तार नहीं बन रही है, लेकिन यह हल्की चिपचिपी सी है। जलेबी का बैटर तैयार करने के लिए 1 कप मैदा लेंगे, इसे स्ट्रेनर के ऊपर पलट देंगे। इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर दोनों को छान लेंगे। मैदे को हमने छान लिया है, अब छने में मैदे में ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी, 1/4 कप दही, 8 से 10 बूंद खाने वाला येलो फूड कलर। अब इन्हें हम पहले दही के साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेंगे। इस मिक्सचर में पहले थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर दोबारा जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर फेंटने से बैटर पतला नहीं होगा, इसमें कोई गुठलियां नहीं बन पाएंगी और बैटर हमारा बिल्कुल चिकना बनकर तैयार होगा। जलेबी का बैटर लगभग तैयार है, अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से चलाते हुए फेंट लेंगे। बैटर हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। जलेबी बनाने के लिए मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग ले रही हूँ। यदि यहाँ पर आप चाहें तो इसकी जगह पर सॉस की बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। पाइपिंग बैग को एक ग्लास के ऊपर रखकर इस बैटर को इस पाइपिंग बैग में फिल कर देंगे। इस बैटर को तैयार करने के लिए हमने इसमें दही और बेकिंग पाउडर का यूज किया है, जिसकी वजह से हमें बैटर को फर्मेंट करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से ये जलेबी इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है। सारा बैटर हमने पाइपिंग बैग में फिल कर दिया है, अब ऊपर से इसे एक रबर बैंड से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। पाइपिंग बैग के दूसरे सिरे पर छोटा सा कट लगा देंगे। जलेबी बनाने के लिए बैटर बिल्कुल रेडी है, अब हम जलेबी तल लेते हैं। जलेबी तलने के लिए मैं यहाँ पर देसी घी का यूज कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसकी जगह पर आप तेल भी ले सकते हैं। तलने के लिए घी को पहले अच्छे तरह से गर्म कर लेंगे, फिर आंच को धीमा करके छोटे छोटे साइज की जलेबी बना लेंगे। शुरुआत में हाथ सेट नहीं होने पर इसका शेप प्रॉपर नहीं बनता, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद यह प्रॉपर शेप में बनने लगेगा। जलेबी को हमें हल्का सुनहरा होने तक धीमी आंच पर तलना है, जिससे कि ये अंदर से भी क्रिस्प हो। धीमी आंच पर एक बैच की जलेबी को तलने के लिए 3 से 4 मिनट का समय लगता है। अब मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर जलेबी बनाकर दिखा रही हूँ। जैसे ही हम इसे घी में तलने के लिए डाल रहे हैं, गर्म घी में जाते ही यह तुरंत फूलने लगता है और इसमें काफी सारे झाग आ जाते हैं। इस समय हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं पलटना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जब इसमें से झाग थोड़े कम हो जाए तब इन्हें पलटकर दूसरी तरफ भी तल लें। जलेबी दोनों तरफ से अच्छी तरह से तल गए हैं और इनका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब इन्हें हम घी में से बाहर निकालकर तुरंत ही चाशनी में डाल देंगे। हल्की गर्म चाशनी में ही जलेबी ऐड करें, जिससे कि जलेबी के अंदर तक चाशनी अच्छी तरह से चली जाए। चाशनी में जलेबी को बहुत ज्यादा देर नहीं रखना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें चाशनी में डूबा रहने दें और फिर बाहर निकाल लें। फ्राई किए हुए जलेबी को किसी एयरटाइट डिब्बे में रख लें और जब जलेबी खानी हो चाशनी को हल्का गर्म कर इसमें जलेबी डिप करें और इन्हें सर्व करें। इस तरह से आप मार्केट जैसी टेस्टी जलेबी को घर पर ही बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। आने वाले त्योहारों में इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको हमारी आज की जलेबी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।